स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर एन टी एस सी टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन नंबर वन इफ पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी इज इक्वल टू टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बाय क्यू की पावर ट्वेंटी थ्री प्लस क्यू बाय पी की पावर सेवन तो हमें यहाँ p बाई क्यू की पावर ट्वेंटी थ्री प्लस क्यू बाई पी की पावर सेवन की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि p बाई क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो हमें दिया हुआ है p बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी इज इक्वल टू टू यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो p इंटू पी पी स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस क्यू आर बाय पी इंटू क्यू इज इक्वल टू टू इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर बोलते हैं देर फॉर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू पिक क्यू देर फॉर टू इस तरफ ले आए तो पी स्क्वेयर माइनस टू पिक क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो अब आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो है तो इसका फैक्टराइजेशन धेर फॉर ए माइनस बी होल स्क्वेयर की तरह पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो फॉर अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो स्क्वायर निकल जाएगा देर फॉर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो फॉर पी इक्वल टू क्यू अब देखो पी और क्यू की वैल्यू सेम है तो उसका डिवीजन पी बाई क्यू कितना होगा वन अब हमें पी बाई क्यू की वैल्यू मिल गई वन देर फॉर वन रिस्ट टू ट्वेंटी थ्री प्लस क्यू बाई पी क्यू बाई जो P बाई क्यू वन है तो Q बाई पी पर कितनी होगी वन देयर फॉर वन दस टू ट्वेंटी थ्री प्लस वन की पावर सेवन इज इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू पार्थ मिस ए ट्रेन बाय वन आवर इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ फोर किमी पर आवर इफ़ ही इंक्रीज ही स्पीड टू फाइव कीमी पर आवर ही स्टिल मिस द ट्रेन बाई ट्वेंटी फोर मिनट एट वॉट स्पीड ही शुड ट्रावल सो देट ही रीच द स्टेशन एक्जैक्टली ऑन द टाइम तो वो फोर किमी पर आवर से ट्रावलिंग करता है तो वन आवर से ट्रेन मिस करता है और जो फाइव की पर आवर से ट्रायलिंग करता है तो ट्वेंटी फोर आवर्स से ट्वेंटी फोर मिनट्स से ट्रेन मिस करता है दोनों केस में डिस्टेंस कैसा रहेगा सेम रहेगा तो लेट्स यानी कि हम मान लेते कि डिस्टेंस विल बी डी केस वन केस टू अब हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम देर फॉल टीवन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड टी टू इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहेगा स्पीड एस वन बाय एस टू इज इक्वल टू डी बाय फर्स्ट केस में स्पीड है फोर किमी पर आवर एंड टी टू ज इक्वल टू तो डिस्टेंस सेकंड केस में स्पीड है फाइव किमी पर आवर फाइव अब संख्या के मुताबिक टी वन तो, तो, बाई टी टू इज इक्वल टू डी बाय फोर माइनस डी बाई अब दोनों केस में जो टाइम डिफरेंस है वो वन माइनस ट्वेंटी फोर मिनट तो हमें उसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइड बाई सिक्सटी वन आवर के सिक्सटी मिनट से इक्वल टू तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो फाइव डी माइनस फोर डी अपन फाइव इंटू फोर ट्वेंटी therefore 60 minus 24 यहां यहाँ पर भी एलसीएम लेते देते हैं 60 minus 24 फोर डिवाइड 60 equal इक्वल टू minus 4d 1d डी वन डी बाय में से 24 माइनस करो तो थर्टी सिक्स बाय सिक्सटी इज इक्वल टू डी बाय ट्वेंटी देर फोर डी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री सिक्सटी थर्टी सिक्स बाय थ्री 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 जा थ्री ट्वेल्व ज थर्टी सिक्स देर फॉर डी इक्वल टू ट्वेंटी तो हमें डिस्टेंस मिल गया ट्वेंटी किलोमीटर डी की जो वैल्यू आई वो हम टी वन या टी टू में रख दे तो देर फॉर टी वन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्वेंटी किलोमीटर बाय स्पीड फोर इज इक्वल टू थ्री आवर्स अब वो एस वन स्पीड से ट्रैवलिंग करता है तो वन आवर लेट होता है देर फॉर उसे वन टाइम पहुंचने के लिए वन आवर कम करना पड़ेगा देर फॉर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू आवर देर फॉर वन टाइम स्टेशन पे पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड स्पीड रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू बी बाय टी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई टू सिक्स या ट्वेल्व इक्वल टू सिक्स किमी पर तो वो उसकी स्पीड सिक्स किमी पर करेगा तो वो टाइम से वन टाइम स्टेशन पहुंच जाएगा क्वेश्चन थ्री इफ थ्री एक्वल टू फोर बी

दोनों तरफ बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी तो इसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई करें तो देर फोर नाइन ए इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री ट्वेल्व बी यहाँ पर हमें यहाँ ट्वेल्व बी किया तो यहाँ पर भी हमें ट्वेल्व बी करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर इंटू टू एट सी इज इक्वल टू फोर इन थ्री ट्वेल्व बी क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई थ्री किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई फोर किया अब दोनों तरफ देखो ट्वेल्व बी ट्वेल्व बी देर फोर नाइन ए इक्वल टू ट्वेल्व बी इज इक्वल टू एट सी अब हमें इनको इनका जो एल्सीम ले नाइन ट्वेल्व और एट और तीनों को नाइन ट्वेल्व और एट का एलसीएम से डिवाइड करते हैं देखो अब हम एलसीयम ऐसे भी निकाल सकते हैं नाइन ट्वेल्व और एट करके और एक एक ये रित है कि नाइन के मल्टीपल यानी गुणक ले ले नाइन के मल्टीपल यानी गुणक नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन तो आगे जाके आएगा सेवेंटी टू और यहाँ पर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व का भी मल्टीपल ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ऐसे सेवेंटी टू आएगा और एट का मल्टीपल एट सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर सेवेंटी टू तो मल्टीपल निकला एल सी एम कितना है सेवेंटी टू कॉमन लोएस्ट मल्टीपल सेवेंटी टू देर फोर नाइन ए अपन सेवेंटी टू इज इक्वल टू ट्वेल्व बी अपन सेवेंटी टू इज इक्वल टू एट सी अपन सेवेंटी टू

एच सी ए यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुसा ऑफ सिक्स बाई फाइव फोर बाई फिफ्टीन एंड टू बाई फाइव ये तीनों का गुसाल हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर छेद कितना है फाइव यहाँ पर फिफ्टीन है और यहाँ पर फाइव तो तीनों में हर सेम करने के लिए इस यहाँ पर फिफ्टीन है तो इसको मल्टीप्लाई थ्री करें इसको भी मल्टीप्लाई थ्री करें तो हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई थ्री करेंगे दोनों मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू एटीन बाय फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर बाय फिफ्टीन इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है इज इक्वल टू यहाँ पर देखो यहाँ पर फाइव है तो मल्टीप्लाई थ्री करें थ्री इज इक्वल टू सिक्स बाय फिफ्टीन अब हम देख सकते हैं कि तीनों के हर यानी कि डिनोमीटर सेम हो गए इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू टू इंटू टू बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू फिफ्टीन दे आर एच सी एफ इज इक्वल टू अब आप देख लो कि तीनों में कॉमन कौन है तो देखो इधर ए टू इधर है ए टू ए टू क्वल टू टू बाई फिफ्टीन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द प्रेजेंट प्राइस ऑफ कार इज रुपीज सेवन टू नाइन जीरो इफ इट्स वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर बाय टेन परसेंट देन इट्स वैल्यू थ्री बैक बैकवॉज वो हमें ढूँढना है कि तीन साल पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी देखो कार है और उसकी प्राइस पर ईयर यानी कि हर साल टेन परसेंट डाउन होती जाती है तो उनकी तीन साल पहले की प्राइस कितनी होगी वो हमें निकालना है तो आ, इन अर्लियर स्टैंडर्ड हमें एक सूत्र आता था मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का आपको पता होगा वो ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि व्याज का चक्रवृद्धि व्याज का यह सूत्र है इक्वल टू पी इन वन प्लस आर बाय हंड्रेड इज टू पावर एन तो इनमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो हम प्लस करते हैं यहां पर प्राइस हर साल लेस होती जाती है तो यहां पर हम माइनस कर देर फॉर एज इक्वल टू वर्तमान प्राइस यानी कि प्रेजेंट प्राइस सेवन टू नाइन जीरो और ये पी तीन साल पहले की प्राइस इज इक्वल टू वन माइनस आर टेन परसेंट हर साल लेस होती है रेस्ट टू देखो एन इक्वल टू टाइम थ्री इयर्स है, देर फोर सेवन टू नाइन ज़ीरो इज इक्वल टू पी इंटू हंड्रेड एल्शियम हंड्रेड आएगा हंड्रेड माइनस टेन नाइन्टी बाय हंड्रेड की पावर थ्री देर फोर सेवन टू नाइन ज़ीरो इज इक्वल टू पी इंटू नाइन का क्यूब सेवन टू नाइन अपन टेन का क्यूब थाउजेंड थाउजेंडोर पी इज इक्वल टू सेवन टू नाइन जीरो इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय देखो ये सेवन टू नाइन दिनोमीटर में जाएंगे सेवन टू नाइन ट इंटू हंड्रेड टेन थाउजेंड तो इसकी तीन साल पहले की प्राइस कितनी आई टेन थाउजेंड रुपये देखो इसको हम एक एक साल के लिए भी कर सकते हैं टेन परसेंट लेस करके